बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। अब आप लोग सोच रहे होगा क्यों रो रहा हूँ भाई साहब। एक बात पूछ रहा हूँ, क्या अंधभक्तों का टाइम क्या जाने वाला है क्या? अब अंधभक्तों को कुछ नहीं होगा बताइए। आज मतलब इंडिया जीत गई, ऐसा भी खुशी के आंसू है जो इंडिया जीती है, लेकिन बस अफसोस एक बात का है कि बताइए वो सिराज इतने विकेट लेके गया, सिराज जिता करके गया। ठीक है भाई साहब, वो खुशी है, लेकिन ये सिराज है तो मतलब वही मुसलमान ना, अगर कोई सनातनी जिताता तो भाई साहब सोचो कितनी ज्यादा खुशी होती है। और सिराज ने जिता दिया, इतने विकेट ले गया। नहीं, हम लोग क्या भाई साहब, अगर आपको सुन करके अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इसमें मैच में भी और क्रिकेट में भी हम लोग ये सब कर रहे हैं मुसलमान और ये सब, लेकिन क्या करें भाई साहब, हम अंधभक्त ही हैं ऐसे। हम लोगों को भाई साहब शिक्षा ही ऐसी दी गई है, हमारे जितने कुलगुरु हैं हम अंधभक्तों के यही सिखाते आए हैं, हमारी कुलदेवी मतलब कुलगुरुवाइन या जो भी कह लो है साध्वी प्राची, वो हमेशा यही सिखाते रहे कि इनका बहिष्कार करो, इनका ये करो, इनसे दूर रहो, इनसे मतलब साध्वी प्रज्ञा वो हमेशा, आपको याद है ना, कहने लगी इन लोगों से बस वो तेज करके रखो छुरी चक्कू, है ना, मतलब इन लोगों के खिलाफ हमेशा हम लोगों को भड़काती, क्या मतलब शिक्षित करती रही। और हम लोग इधर उधर जाके दुकान में इधर उधर तोड़ फोड़ किसी का आधार कार्ड चेक करते थे, है ना, और किसी को आधार कार्ड चेक करके हटो इस मोहल्ले से, तुम सब्जी नहीं बेचोगे, और सुनो चूड़ी वाले इधर आ, है हम चूड़ी वाले सब्जी वाले भाई साहब, कोई मेहंदी लगाता था ना हाथ में लोगों के, उसको तक हम लोगों ने दौड़ा दौड़ा के आधार कार्ड पूछा क्या क्या नहीं किया है, है? क्योंकि हमको भाई साहब हमारे जितने सिखाने वाले हैं, ये देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे नए आदर्श बने हैं, है? और वो सुरेश के चौहान, है ना, वो देखो यही सिराज खान के ऊपर बायकाट का चीजों का चलाया था कि ये है तिलक नहीं लगा रहा, फलाना डिबाका है, है? ये सिराज खान का कितना बायकाट किया था। तो भाई साहब इन्हीं लोगों के गुण जो है हम अंधभक्तों के अंदर आए हुए हैं, ये लोग हमारे अंदर मतलब जो भरते हैं जहर टाइप का, तो भाई साहब वो हम लोग फिर जाके गली मोहल्ले में इधर उधर उगलते हैं। वो परवेश वर्मा देखिए सांसद है भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा, और दिल्ली में खड़े होकर के उसने बोला था कि इन लोगों के सामान का बहिष्कार करो, इन लोगों से कोई सामान मत खरीदो, इनके व्यापार का बहिष्कार करो, इनका बहिष्कार करो, ये वही मुसलमानों का। हाँ तो भाई साहब बस बाकी तो हम लोग जीत गए, कोई बात नहीं। सिराज खान मतलब टीम में 11-11 लोग, एक भी सनातनी अगर जिता देता तो भाई साहब खुशी कुछ और होती। हम लोग दिन रात यही हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्या है मतलब मुस्लिम मुस्लिम करते रहते, यही हम लोगों को सिखाया जाता है भाई साहब। हाँ ये सब हम लोगों के पास पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, हाँ उसी से हम लोग ज्ञान लेते हैं कि बस इन लोगों का बहिष्कार करो। तो भाई साहब यही लोग जाके टीम इंडिया में जाके इतने विकेट ले रहा है जिता रहा है, तो अफसोस नहीं होगा? हाँ होगा भाई साहब अफसोस। अब तो लग रहा है कि हम लोगों को बड़ा बायकॉट चलाना पड़ेगा टीम इंडिया में, ये जितने भी लोग हैं ना इनको, इनका बहिष्कार करो, इनका बायकॉट करो, इनको टीम से निकालो। अब जैसे शाहरुख खान का हम लोग भाई साहब पठान अठान का विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग शाहरुख खान का विरोध कर रहे थे, शाहरुख खान मुसलमान है ना, हाँ इसकी वजह से। हाँ सब ऊपर से ऑर्डर आता है, ये सबको बताते नहीं हम लोग, हाँ लेकिन वही मामला है, जैसे शाहरुख खान का बायकॉट करो, पठान का बायकॉट करो, ये करो, है ना, आमिर खान का बायकॉट करो, इसका तो हम लोग भाई साहब सब बायकॉट आयकॉट के हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। जिसका हम लोग बायकॉट करते हैं वो जा करके कुछ अपना हिस्सा बताइए है जीत का और ये वो सब कर देता है, तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी? कल को अब हम किसी मुसलमान का अगर हम समझो आधार कार्ड चेक करेंगे, ढूंढेंगे ना के चूड़ी वाले इधर आ, तो लोग क्या कहेंगे बताओ कि ये जो है सिराज खान एक जो है देश का नाम रोशन कर रहा है, टीम को जिता रहा है, और तुम लोग यहाँ पे आधार कार्ड पूछ रहे हो, तो भाई साहब हम लोगों को क्या इज्जत रह जाएगी? है हालांकि कुछ ना कुछ अंदर से सब प्लानिंग चल रही है, हाँ हम लोग हैं सनातनी तो है ही है हम लोग,
बट हाँ सनातन का हम लोग ये करके और बाकी का विरोध करके कुछ ना कुछ करेंगे। भाई तो वर्ल्ड कप में नहीं तो बड़ी कहीं वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए और विकेट विकेट ले लिया तो भाई साहब फिर क्या होगा, है ना। इतने हम लोग 80 और 20 और कपड़े से देख के पहचान लेते हैं और इनका बैकआउट करो ये करो और वे मदरसे का सब वो कागज पत्र देखो, वो नरोत्तम मिश्रा हमारे है ना, वो भी कुलगुरु हेमंत बिस्वा शर्मा वो नए नए हम लोगों को भड़काने वाले जहर मतलब सब इसके बारे में ज्ञान देने वाले। तो जितने लोग हमेशा ये सिराज बताइए इतने विकेट लेंगे नहीं यार, टीम इंडिया जीती खुशी है हमको यार, खुशी से रो रहे हैं, खुशी के भी तो आंसू होते कि नहीं होते सिराज कहेंगे, है सिराज ठीक है यार जाओ यार तुम लोग टेंशन मत दो यार, पहले से बहुत टेंशन है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।